हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का केस स्टडी है, ये जेब्रोनिक्स के मदरबोर्ड है 31 का DDR2। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ पीछे। नो पावर, ठीक है, नो पावर है। तो देखो, बोर्ड को मैंने पहले डेस्क पे लाया, काम कर रहा था। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो जिन लोगों के पास बोर्ड आते हैं पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने से, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, पर सिंपल सी प्रॉब्लम है, पर अक्सर सभी ये गलती कर बैठता है। तो आज जो ओवर कॉन्फिडेंस जिन जिन लोगों का काम करता है, इंक्लूडिंग मी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं इंक्लूडिंग मी बोल रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, बाकी सारा तो देख सकते हो। पर छोटा सा एक चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा, और शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा शॉर्ट वीडियो, पर छोटा सा एक चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा इस वीडियो में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग बहुत गलती कर बैठते हैं ऐसा चीज़ में। तो देखो, पहले देख लो, थोड़ा सा समझ जाओ। और इस बोर्ड में मैं एक फ्री एडवाइस दूंगा, जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर हैं, वो थोड़ा बाद में, फ्री एडवाइस है, अगर लेना है तो लेना, नहीं तो छोड़ देना, वो आपकी मर्जी। देखो, ये मैंने डाल दिया डिबग कार्ड, ये वाला डालता हूँ और पावर देता हूँ। तो नो पावर लिखा है, मतलब नो पावर, पावर नहीं ऑन होगा या फिर ऑन होके ऑफ होगा। तो देखो, कोई भी पावर नहीं है। तो अगर VRM सेक्शन तो एक बार ऑफ कर देते, अगर VRM सेक्शन में भी शॉर्टिंग है तो थोड़ा सा फैन घूमता है, फिर जाके बंद होता है, क्योंकि ये 31 945 41 सीरीज में ऐसा होता है। बिना सीपीयू का पावर के भी बोर्ड चलता है, 12 वोल्ट, बिना 12 वोल्ट के भी ये बोर्ड चलता है। तो अभी देखो, अभी भी ये गया नहीं, ये जाएगा, फिर मैं पावर दोबारा ऑन करूँगा और दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने ये जो 4 पिन है ये मैंने खोल दिया है सीपीयू पावर। तो अभी चला गया, अभी पावर दे रहा हूँ। तो अभी VRM सेक्शन का अगर शॉर्टिंग होता तो ये बोर्ड अभी चलेगा, क्योंकि ये देखो अभी भी चल नहीं रहा है। तो दैट मीन्स VRM सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, और VRM सेक्शन का इनपुट में डाल देता हूँ, और थोड़ा सा मल्टीमीटर पे एक चीज़ दिखाना है उसके बाद। एक सेकेंड, में पहले देख लूँ, वो दिख ही नहीं रहा है, अब दिख रहा है। तो DC20 पे रखेंगे, और PSON है, मतलब स्विचिंग वोल्टेज है। तो एक ब्लॉक प्रॉप को ग्राउंड में करेंगे, और इसका जो PSON वोल्टेज होता है यहाँ पर देखेंगे। देखो, 3.30, 3.30 वोल्टेज अवेलेबल है, स्विचिंग वोल्टेज 3.30, मतलब बोर्ड ऑन करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज अवेलेबल है। और अभी हम अगर ट्रिगर करेंगे तो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। अभी देखो, ये जो क्रिस्टल है ये मैंने चेंज किया अभी, ठीक है। तो चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर जाके थोड़ा सा सोचा और मैंने देखा जो एक प्रॉब्लम हो रहा था। अभी देखो, ये क्रिस्टल को मैंने शॉर्ट कर दिया, बोर्ड ऑन हो चुका है, पर हाई रीसेट है, ये डिस्प्ले नहीं आएगा, पर ऐसा हो रहा है बोर्ड में। क्रिस्टल को शॉर्ट करें तो बोर्ड चलता है, क्रिस्टल को अगर आप चेंज कर दे तो भी सेम इशू है, बोर्ड टिगर नहीं हो रहा है, क्रिस्टल को शॉर्ट करें तो बोर्ड चलता है। तो देखो, सिंपल सी बात है बस, पर अभी मैं ऑफ करता हूँ बोर्ड को। तो देखो, यहाँ पर एक जम्पर है जो चाइना बोर्ड में, सब बोर्ड में होता है पर चाइना बोर्ड में आता है, जो यहाँ पर ये रिसेट का सिग्नल है। राइट साइड में रखोगे तो बायस रिसेट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो नॉर्मली जनरली जो बोर्ड चलता है वैसा चलेगा, पर ये अगर जम्पर नहीं लगाओगे तो ऐसा ही होगा। मान लो कि आपने ये जम्पर रिमूव कर दिया,
यहाँ पर कोई भी जम्पर नहीं है, तो अभी मैंने रिमूव कर दिया, ये देखो साइड में रख देते हैं इसे, और अभी एक बार पावर देते हैं। तो मैंने एक बार इसे निकाला, फिर यहाँ पर क्लीन किया, लगाया, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ये तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है प्रॉब्लम, तो बाद में जब देखा तो मैं बता रहा हूँ, अभी देखो पी एस ऑन आ चुका है। ये जम्पर आप अगर हटा दोगे तो यहाँ पर जितना भी ट्रिगर कर लो बोर्ड नहीं चलेगा, और ये क्रिस्टल पे अगर शॉर्ट करोगे तो बोर्ड चलेगा बट विदाउट डिस्प्ले हाई रीसेट के साथ। तो ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ भी, तो मैंने यहाँ पर जम्पर डाल दिया, फिर भी सेम इशू है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले ही बोला ओवर कॉन्फिडेंस। तो बाद में जब दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्रिस्टल चेंज करने पर भी, ये देखो मैंने क्रिस्टल को दो बार चेंज किया, ये देखो ये दो क्रिस्टल मैंने चेंज कर दिया, ऑलरेडी नया है ये, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तब जाके थोड़ा सा डाउट हुआ, और मैंने देखा यहाँ पर जो जम्पर था इसमें बहुत रस्ट आ चुका है। कहाँ कहाँ पे रखा है, बहुत रस्ट आ चुका है, ये वाला या वाला, तो इसके अंदर का रस्ट जो है वो निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो ये जो पिन है ये मैंने क्लीन कर दिया, फिर भी वो जम्पर डालने से बोर्ड ऑन नहीं हो रहा। तो अभी देखो एक फ्रेश जम्पर ले लेता हूँ। तो प्रॉब्लम छोटा सा था, ये नॉर्मल इशू है, पर हम गलती करते हैं इसीलिए। और कौन सा गलती हम करते हैं बोर्ड में, ये रिमाइंड करने के लिए ही मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई खास रीज़न नहीं है, पर हम गलती कर बैठते हैं कभी कभार इसके लिए भी, तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा ना हो। तो अभी देखो पावर दिया, अब देखो ये, एक सेकेंड, ये नहीं लिया, ये भी ख़राब है क्या, एक सेकेंड, इससे क्या, ये भी खराब है, ओ शिट, ये तो टूट ही गया, तेरी इसमें काम नहीं चलेगा, ये लूज है बहुत। चलो एक दूसरा डालते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं, ये वाला डालते हैं, तभी डाल दिया। अभी देखो क्या हो रहा है, ये भी खराब है, तो मैं ट्वीजर से शॉर्ट करके दिखाता हूँ, ये जम्पर भी खराब लग रहा है मुझे। तो देखो अभी मैंने ट्वीजर से शॉर्ट कर दिया ये दोनों पिन को, अब मैं ट्रिगर करता हूँ, देखो फॉलो करो, एक सेकेंड, ये देखो अभी छोड़ दिया पर ये डिस्प्ले आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे और भी थोड़ा क्लीन करना है, रस्ट वगैरह है, तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर जम्पर नहीं लगाऊंगा, ये जो पीछे है दो पिन में, ये दो पिन में शोल्डर कर दूंगा, ठीक है, एक और दो नंबर पिन। तो अभी देखो 38, इसका मतलब इसका डिस्प्ले आ जाएगा, आ चुका है मेरे ख्याल से, तो देख लो एक बार। तो देखो प्रॉब्लम छोटा सा है, पर हम लोग कभी कभार होता है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम अवॉइड कर जाते हैं, तो और पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो जेब्रोन इसका लोगो आ चुका है, चल रहा है बोर्ड, तो इसे एक बार पकड़ के रखते हैं, फिर से एक बार रजिस्टर करते हैं, ठीक है, पकड़ के रखा मैंने, रजिस्टर कर दिया, अभी देखो ये चला आया है जेब्रोनिक्स का, तो आगे क्यों नहीं जा रहा है भाई, एक सेकेंड, आगे क्यों नहीं जा रहा है देखते हैं एक बार, और एक बार रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट नहीं होगा यहाँ पर अगर मैं जम्पर नहीं लगाया तो। चलो रिस्टार्ट कर दिया, जेब्रोनिक्स आया है, अभी तो चल रहा है 38, पर क्या एरर आ रहा है इसमें, ये डी रैम का सिग्नल क्यों दे रहा है, ठीक है एक बार ऑफ करते हैं, रैम को एक बार खोल देते हैं, किसी दूसरे स्लॉट पे लगा देते हैं,
लगा दिया और इसे ट्वीजर से शॉर्ट करते हैं, ठीक है, पावर दे दिया। अभी देखो स्विचिंग कर दिया, डिस्प्ले 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 अभी भी आया नहीं, हाँ अभी आ चुका है, चला गया अभी। ये देखो जेब्रोनिक हट गया, तो बूट डिवाइस मांग रहा है। तो देखो अभी ये मैं शोल्डरिंग कर दूंगा, यहाँ पर कोई भी जंपर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जंपर लगाऊंगा तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो देखो क्रिस्टल का भी इशू नहीं था, पर क्रिस्टल आप पहले एक बार चेंज कर लेना, ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो। अगर फिर क्रिस्टल चेंज करने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और क्रिस्टल को शॉर्ट करने से बोट चल रहा है, तो डेफिनेटली आप समझ लेना कि यहाँ पर जो जंपर है, डिसेट वाला जो जंपर होता है, तो वो जंपर में रस्ट जम चुका है या फिर डिसकनेक्टेड हो चुका है पीसीबी के पैड से, ठीक है। तो ऐसे आपको शोल्डरिंग कर देना है ये सब, लेफ्ट साइड और मिडिल वाला जो कॉमन होता है, वो दो पिन आपको शोल्डरिंग कर देना है, या फिर अच्छे से क्लीन करके एक अच्छा वाला जंपर क्लिप डाल देना है, ठीक है। तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे ख्याल से कुछ तो सीखने को मिलेगा, अगर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ना मिले तो ना करो, कोई इशू नहीं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।